मध्य प्रदेश के बल्लेबाज रजत पाटीदार ने रणजी ट्रॉफी के इतिहास का पांचवां सबसे तेज शतक जड़ दिया है। हरियाणा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच के अंतिम दिन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे रजत पाटीदार ने केवल 68 बॉल्स में अपनी सेंचुरी पूरी की है और मध्य प्रदेश के नमन ओझा का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने 2015 में कर्नाटक के खिलाफ 69 गेंदों पर शतक जड़ा था। रिटेंशन से पहले कहीं ना कहीं देखा जाए तो रजत पाटीदार ने आरसीबी को चेतावनी दे दी है। पाटीदार की ये पारी आरसीबी को सोचने पर मजबूर कर सकती है। मध्य प्रदेश के स्टार बल्लेबाज रजत पाटीदार ने शानदार अंदाज में अपने घरेलू सीजन में वापसी की है। हरियाणा के खिलाफ मात्र 68 बॉल्स में रणजी ट्रॉफी इतिहास का पांचवां सबसे तेज शतक जड़कर कमाल कर दिखाया है। उन्होंने पहली पारी में 102 गेंदों में 159 रन्स की पारी खेली थी। रजत पाटीदार के शतक ने न केवल उन्हें रिकॉर्ड बुक में स्थान दिलाया है, बल्कि तीसरे दौर के मुकाबले में मध्य प्रदेश की जीत की संभावनाओं को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। बता दें कि रणजी ट्रॉफी में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम है। उन्होंने सिर्फ 48 बॉल्स पर अपना शतक पूरा किया था। हालांकि हिमाचल प्रदेश के बल्लेबाज शक्ति सिंह ने 1990 में हरियाणा के खिलाफ 45 गेंदों पर शतक बनाया था, लेकिन उचित दस्तावेज के अभाव में इसे ऑफिशियल रूप से दर्ज नहीं किया गया था। मैच की बात की जाए तो हरियाणा ने पहली पारी में 132 रन की बड़ी बढ़त हासिल कर ली थी। हरियाणा ने एमपी के 308 रन के जवाब में 440 रन बनाए थे। मैच के सिर्फ दो सत्र बचे थे, उन्हें लक्ष्य निर्धारित करने के लिए तेजी से रन बनाने की काफी ज्यादा जरूरत नजर आ रही थी और रजत पाटीदार ने मोर्चा संभाला। उनकी धमाकेदार पारी में 11 चौके और 3 छक्के शामिल थे, जिससे एमपी को दूसरी पारी में 173 रन की अच्छी खासी बढ़त मिल गई थी। रजत पाटीदार 2021 से 2022 में मध्य प्रदेश की रणजी ट्रॉफी जीतने वाली सीजन के दौरान सुर्खियों में आए थे, जहां उन्होंने 9 पारियों में 2 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से 658 रन बनाए थे। पाटीदार मुंबई के खिलाफ फाइनल में भी स्टार रहे थे, जहां उन्होंने 6 विकेट की जीत में 122 और नाबाद 30 रन बनाए थे। कहीं ना कहीं देखा जाए अपनी इस खतरनाक पारी से रजत पाटीदार ने आरसीबी को ये संकेत दे दिए हैं। यहाँ पर रजत पाटीदार को लेना आरसीबी के लिए कितना जरूरी हो सकता है, आप किस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।